नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी। फसल को सुरक्षा कवच किसानों को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। केंद्र सरकार के फैसले के साथ आज से देश भर के 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को मिलेगी मुफ्त वैक्सीन। केंद्र सरकार आज से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर के उम्र के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया करा रही है। वैक्सीन उत्पादन का कुल 75% हिस्सा केंद्र सरकार खुद ही खरीदेगी और राज्य सरकारों को मुफ्त में देगी। बाकी 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे निर्माताओं से खरीद सकते हैं। सभी कंपनियों ने वैक्सीन की कीमत निर्धारित की है। प्राइवेट अस्पताल वाले अपने ग्राहकों से एक डोज पर अधिकतम ₹150 ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। राज्य सरकारों को इसकी निगरानी करनी होगी। अभी तक 1 मई से नए संशोधित दिशा निर्देशों के तहत केंद्र उत्पादित वैक्सीन का 50% खरीद रही थी। वहीं राज्य सरकार और निजी अस्पतालों को बाकी 50% वैक्सीन कंपनियों से सीधे खरीदने का अधिकार दिया गया था। अब राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के दिशा निर्देश की समीक्षा और संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार ने कई राज्यों में कोविड वैक्सीन की कमी के बीच रविवार को घोषणा की है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पास अभी भी 3.06 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक उपलब्ध है। इसके अलावा 24 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक 3 दिनों के अंदर उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। अब तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 29.10 करोड़ यानी 29,10,54,050 से अधिक वैक्सीन की खुराक प्रदान की गई है। आंकड़ों के हवाले देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 3,06,34,638 से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक अभी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है जिन्हें दिया जाना बाकी है। इसके अलावा 24,53,080 से अधिक वैक्सीन खुराक पाइपलाइन में है और अगले 3 दिनों के भीतर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त की जाएंगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड के टीके उपलब्ध कराकर उनका समर्थन कर रही है। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने भी किया योग। कोरोना महामारी के बीच पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस खास मौके पर शहर के विभिन्न स्थानों में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी यूनिक फाउंडेशन टीम की पहल पर स्वस्थ नियमों के पालन करते हुए शहर के बागजतन पार्क के मंच पर आज योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मंत्री तथा सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने योग कार्यक्रम में भाग लिया। अन्य लोगों के साथ साथ उन्होंने भी विभिन्न प्रकार के योग अभ्यास किए। इसके अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत से लेकर अमेरिका तक योग दिवस की मची धूम। किसान से लेकर जवान सब ने किया योग अभ्यास। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में करीब 3,000 लोगों ने एक साथ किया योग। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत समेत पूरे विश्व में लोग योग अभ्यास कर रहे हैं। भारत से लेकर अमेरिका तक योग दिवस की धूम देखने को मिल रही है। देश भर में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में योग अभ्यास किया। उन्होंने कहा, हजारों वर्ष से लाखों करोड़ों लोगों को स्वस्थ एवं सकुशल खुशहाल जीवन का वरदान और शरीर एवं मन के संयोजन का साधन योग के रूप में हमारे ऋषियों ने विश्व को दिया है। मानवता को यह भारत की अनुपम देन है। योग कोविड-19 के संदर्भ में भी सहायक हो सकता है। लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। वहीं न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में करीब 3,000 लोगों ने एक साथ योग अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने संबोधन में PM ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अब दुनिया को एम योग ऐप की शक्ति मिलने जा रही है, जिस पर सामान्य नियमों पर आधारित योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया के अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। इससे एक विश्व एक स्वस्थ का लक्ष्य पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया योग अभ्यास। पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पालन किया गया। योग दिवस के अवसर पर भाजपा के सिलीगुड़ी संगठनात्मक जिले की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन, सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष समेत अन्य
विधायक और पद अधिकारीगण शामिल हुए थे। इन सभी ने सामूहिक रूप से विभिन्न प्रकार के योग अभ्यास किए। भाजपा सांसद जॉन बारला द्वारा पश्चिम बंगाल को विभाजित करने वाले बयान को लेकर सियासत गर्म तृणमूल कांग्रेस के नेता ने दर्ज कराया केस। भारतीय जनता पार्टी के अलीपुरद्वार से सांसद जॉन बारला के अलग राज्य वाले बयान के बाद से पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। अब तृणमूल कांग्रेस के नेता जाकरिया हुसैन ने जॉन बारला के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दरअसल जॉन बारला ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार उत्तर बंगाल के जिलों से मोटी कमाई करती है, लेकिन उसके विकास पर ध्यान नहीं देती है। बंगाल सरकार की नीतियों की वजह से दार्जिलिंग, कालिंपोंग समेत उत्तर बंगाल के तमाम जिले उपेक्षित है। इसलिए वे चाहते कि उत्तर बंगाल को बंगाल से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का दर्जा दिया जाए। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी इसकी मांग करेंगे। पश्चिम बंगाल के विभाजन से संबंधित जॉन बारला के इस बयान के बाद से सियासी संग्राम मचा हुआ है। इससे पहले कांग्रेस तथा अन्य सियासी दलों ने भी पश्चिम बंगाल विभाजन के विरोध की बात कही थी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा, पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे, डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1-800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी, विश्वक पहिलो कीटनाशक औषधि, जिसको एक स्प्रेले वैक्सीन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, बैक्टीरिया र फंगस बाट हुने समस्त रोगहरू, साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी, फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान है और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A-Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A-Z तक। SK Live ही बेस्ट ऑप्शन है। SK Live का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, शुरू करते हैं खबरें। दिलीप घोष ने मालदा में किया योग TMC पर साधा निशाना। पूरे देश के साथ साथ मालदा में भी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पालन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष,
मालदा जिला पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ योग करने पहुंचे। सोमवार सुबह 8 बजे वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ योग स्थल पर पहुंचे। उनके साथ भाजपा के मालदा जिला जिलाध्यक्ष गोविंद चंद्र मंडल व सांसद खगेन मुर्मू भी मौजूद थे। इधर कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में दिलीप घोष ने राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले के लिए टीएमसी को जमकर कोसा। दिलीप घोष ने कहा, सरकार एवं सत्ताधारी पार्टी के अत्याचार से परेशान होकर कुछ लोग पार्टी बदलने को मजबूर हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बढ़ते हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, बंगाल की हालत अफगानिस्तान की तरह हो गई है। सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। इस बारे में तत्काल सरकार को पहल करनी चाहिए। आसन्न पंचायत चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में दिलीप घोष ने कहा, पिछले पंचायत चुनाव में थोड़ा बहुत सभी जगह हिंसा हुई थी, इस बार भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं वर्तमान परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संभावना के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई लोगों का मानना है कि बिना राष्ट्रपति शासन लागू किए पश्चिम बंगाल में शांति कायम नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर बंगाल के अलग राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा, भाजपा इस तरह की मांग में विश्वास नहीं करती। भाई प्रकाश से आगुन जला लो, ट्रेन बस पड़ा लो, स्टेशन जाली दिल, एक लोकर बिुदे एफआईआर करा हिम्मत करो ना। देशद्रोही जरा एखे जैगा दे थार व्यवस्था कर दे पार्टी संगे जुक्त करा विदेश नागरिक जे पार्टी एक पदाधिकारी तारा तादेर लोके गए सब करा आज के तर अपशासन हताश हो गए। अनेक मानुष ए धरण कमेंट कर सरकार दायित्व पालन करूक মানুষ বাংলার মানুষ সবাই দেশপ্রেমিক, কাউকে দেশপ্রেম শেখাতে হবে না। আর এই রাজনীতিক এই ধরনের রাজনীতিক কেস করে আমাদের উপরে 35,000 কেস চলে, তাতে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসটাই চলে যাচ্ছে সরকারের উপরে, কারণ এরা দেশদ্রোহীদের ব্যবস্থা নেয় না, যারা দেশপ্রেমিক তাদের গণতন্ত্র হরণ করছে। কথাবার্তাও চলছে পার্টির মধ্যে, অনেক কার্যকর্তা এই অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে ভয়ের পরিবেশের থেকে পালাতে চাইছিল, সবাই সামনে থাকতে পারছে, কিন্তু সবার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি আমরা। এই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কার্যকর্তা তারা কাজ করেছেন, অত্যাচারিত হয়েছে, কিন্তু দু চারজন হয়তো আর এই চাপ দিতে পারছেন। বলছি যে ওই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যে দাবি বলা হচ্ছে সেটা কি আপনারা রাজ্য নেতৃত্ব কীভাবে এগোবেন, মানে কী লড়াই যাবে? কোনো এগোবার দরকার নেই, বিজেপি এই ধরনের কোনো দাবিতে বিশ্বাস করে না। রাজ্যসভায় বা লোকসভায় কি যাবেন? মানে মানিয়ে না তো যাবো কেন? মুখ্যমন্ত্রী বলছে যে এই রাজ্যকে কাশ্মীর করতে চাইছেন। কাশ্মীরের চেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা আফগানিস্তান হয়ে গেছে, উনি তো আফগানিস্তান সিরিয়া বানিয়েছেন, আমরা বাংলাকে সোনার বাংলা বানাতে চাইছি। এটা তো কোর্টের ব্যাপার, আমাদের কোর্টেও ফাইল হয়ে যাবে একটা সময়, বাকিটা কোর্টে ফয়সলা। बंगाल में आज से सभी के लिए शुरू नहीं वैक्सीनेशन, ममता सरकार ने वैक्सीन की कमी की बताई वजह। देश में आज से यानी 21 जून से कोरोना वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। देश भर में आज से 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को केंद्र सरकार की ओर से फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार आज से सभी के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं करेगी। सरकार की ओर से वैक्सीन की कमी की वजह से ये फैसला लिया गया है। अब तक 18 से 44 साल के युवाओं को वैक्सीनेट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास थी, लेकिन आज से ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार ने ले ली है। इसके तहत अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में पैसे देकर भी वैक्सीन लगवाने का ऑप्शन होगा। देश के कई राज्यों में आज से वैक्सीनेशन की महाअभियान शुरू हो चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आज से सभी के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं होगा। ममता सरकार की ओर से कहा गया है कि वैक्सीन की कमी की वजह से यह फैसला लिया गया है। बंगाल में अब तक 1.89 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। इनमें से 1.46 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई, जबकि 42.58 लाख लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। सिलीगुड़ी के कावाखाली के कमलजोत इलाके में बदहाल रस्ते को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धान रोप कर किया विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी संलग्न कावाखाली के कमलजोत सहित दुर्गा मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी बदहाल है। रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और अब बरसात के मौसम में यहाँ पर कीचड़ घुटनों तक पहुंच जाता है, जिससे आवागमन मुश्किल हो चुका है। गाड़ी तो चलाना संभव ही नहीं, पैदल यात्रियों के लिए भी इस रास्ते पर चलना मुश्किल है।
यही कारण है कि माटीगाड़ा कांग्रेस एक नंबर कमेटी की तरफ से कांग्रेस कर्मियों ने धान रोप कर अपना विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से रास्ते की अवस्था बदहाल है, हम लोग इसकी मरम्मत की मांग लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही रास्ते की मरम्मत नहीं किया जाता है तो वे लोग सड़क पर उतर कर जोरदार तरीके से आंदोलन शुरू करेंगे। কদমতলা যেতে পারে, এখানে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল রয়েছে, আলফান্স স্কুলে যাওয়ার রাস্তা, কদমতলা বিএসএফ ক্যাম্পে যাওয়ার রাস্তা, কিন্তু আজকে এই 3 বছর ধরে এখানকার জনসাধারণকে এবং এখানকার যারা বসবাস করেন তাদেরকে কষ্টের মধ্যে রেখে যখন করতে পারবে না আমাদের বক্তব্য যে তাহলে কেন রাস্তাটাকে ভেঙে এইভাবে ওরা এই পরিণতি করলো এবং জনসাধারণের অসুবিধা তৈরি করলো, এইটাই আমরা আজকে প্রতিবাদ করার জন্য আমরা এই রাস্তায় ধান গাড়া শুরু করেছি। জেসে আপ জানলে কি আজ হম লোগ মাটিগাড়া ব্লক এবং আমরা জাতীয় কংগ্রেস কে তরফ সে পাওয়াখালী কে ইয়ে জো রোড পাওয়াখালী টু আপকা দুর্গা মন্দির কদমতলা জানে ওয়ালা জো রোড জো মেইন হম লোগ কা মুখ্য রাস্তা হ্যায় জো কি কিউকি ইয়ে ইম্পর্টেন্ট হ্যায় বহুত ইম্পর্টেন্ট কিউকি ইয়াহ সে আপ মেডিকেল ভি জা সকতে হ্যায় ইয়াহ সে আপ আলফান্সা স্কুল ভি জা সকতে হ্যায় ইয়াহ সে বৃদ্ধ আশ্রম ভি জা সকতে হ্যায় ইয়াহ সে গুম্বা ভি জা সকতে হ্যায় ইয়াহ সে বহুত সারি স্কুল ইয়াহ পে কানেক্টেড হ্যায় ইয়াহ সে नहीं नहीं करके आपका यहाँ से 10 से 15 हज़ार यहाँ पे बसोबस करते हैं यहाँ पे लोग। ये जनसाधारण को 3 साल से ये फूटा हुआ रोड, ये जो नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मिनिस्टर रविंद्रनाथ घोष जैसे कि हमारे जो नेता बोले कि आगे 3 साल आगे यहाँ पे पूरा ढाक ढोल बजा के यहाँ पे बोला ओपनिंग करके यहाँ रोड होगा बोल के, लेकिन आज क्या देखा कि 3 साल के बाद ये रोड जैसे कि तैसे ही है। देश में कई पाबंदियों में दी गई ढील, 88 दिनों बाद सबसे कम कोरोना मामले सामने, 24 घंटों में 1422 संक्रमितों ने गवाई जान। देश में 88 दिनों के बाद सबसे कम कोरोना मामले सामने आए, साथ ही लगातार दूसरे दिन 60,000 से कम कोरोना केसेस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 53,256 नए कोरोना केसेज आए और 1422 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 23 मार्च को 47,262 कोरोना केसेस दर्ज किए गए थे। बीते दिन 78,190 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए, यानी कि कल 26,356 एक्टिव केसेस कम हुए। देश में लगातार 39वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई। 20 जून तक देश भर में 28 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 30,39,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 39,24,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 14,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किया गया, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा रहा। आम आदमी पार्टी के द्वारा पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग एवं जलपाईगुड़ी जिले के सहयोग से सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों में राहत वितरण का आयोजन। आम आदमी पार्टी के पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले एवं जलपाईगुड़ी जिले के सहयोग से सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों में राहत वितरण का आयोजन किया गया। खेलकूद से जुड़े छात्रों और विभिन्न इलाकों में कई गरीब व जरूरतमंद लोगों के बीच पार्टी के द्वारा खाद्य सामग्रियां प्रदान की गई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार रूप से कोविड महामारी के दौरान लोगों की सेवा में जुड़ी हुई है। पार्टी के द्वारा बताया गया कि आम आदमी चाहे कोई भी राज्य में हो, लेकिन हर तरह से लोगों की इस महामारी के दौरान मदद कर रही है और इस बीच करती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।